हाय गाइस, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय गो टू लुक। अगर मैं कहीं भी बाहर जा रही हूँ, जैसे मार्केट जा रही हूँ या शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो मैं किस तरह से अपना मेकअप करती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पांच प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आज के इस लुक को क्रिएट करने वाली हूँ। पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मेट लोशन लाइट एंड नॉन स्टिकी। ये SPF 50 है। अगर हम दिन में कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए हमें सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। यह आपको मैट फिनिश देता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यह आपके लिए परफेक्ट है। करने वाली हूँ यहाँ पर प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ इनसाइट मेकअप एसेंशियल्स का प्राइमर। ये आपके ओपन पोर्स को क्लोज कर देगा और आपके बेस को बहुत ही फ्लॉलेस और स्मूथ बनाएगा और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने का काम करता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम, या तो बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम यूज़ करनी चाहिए। मैं इसे अपने फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। आपको अपने ईयर्स को भी कवर करना है। मैं डेली बेसिस पे काजल और आईलाइनर लगाना प्रिफर नहीं करती हूँ, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन का न्यूयॉर्क द हाइपर कर्ल मस्कारा एंड इट इज़ अ वाटर प्रूफ मस्कारा। यूज कर रही हूँ मेबिलिन की बेबी लिप्स कलर आदिया न्यूयॉर्क लिमिटेड एडिशन हाईलाइन वाइन। ये एक टिंटेड लिप बाम है और इसका शेड बहुत ही डार्क है, बट इसे मैं बहुत ही लाइट अप्लाई करने वाली हूँ। इसे मैं सबसे पहले एज अ ब्लश अप्लाई करूंगी। लिप्स पर अप्लाई करूंगी। इसे मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूंगी बिकॉज ये बहुत डार्क शेड है और मुझे लाइट शेड चाहिए होता है। अब मैं अपने इयररिंग्स डाल दूंगी। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप
गाइज आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।